हेलो एवरीवन, आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि आर्थिक समीक्षा पूरी करवा दीजिए, आर्थिक समीक्षा डिफिकल्ट है, कैसे पढ़ें। तो आज मैंने कुछ 90 पेज पढ़े आर्थिक समीक्षा के और उनमें से समरी बनाने की कोशिश की है। इनमें वो महत्वपूर्ण फैक्ट शामिल किए हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। फिर भी इट्स अ डिस्क्लेमर कि ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इट डजंट इंक्लूड ऑल द फैक्ट्स। अगर इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस लगता है कि इसमें से बाहर आए हैं तो काइंडली फॉरगिव मी, बट मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है एंड आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले ये कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जारी कौन करता है, एक बहुत ही साधारण सा सवाल है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग, जिसको इंग्लिश में डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, वो इशू करता है। फिर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का साइज कितना है, उसका साइज है 6,43,222। ऐसे दो तीन बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, और अगर आपको याद नहीं हो तो परिवार में किसी और को सुनाओ, बोलो कि आओ सुनो। नेक्स्ट इज स्थिर कीमतों पर ये 6,43,222 है, लेकिन ये प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो ये 9,57,912। इस प्रकार से याद करेंगे तो शायद याद हो जाए। इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद करने लायक ये है कि इसमें गिरावट हुई है 6.61% स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर 4.11% की गिरावट हुई है। डेटा को थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो शायद आप देखेंगे कि यहाँ 6 दो बार है, यहाँ 11 दो बार है, कुछ ऐसे कोरिलेशन से करेंगे तो शायद याद हो जाए। दूसरा, नेट स्टेट जीडीपी कितना है, तो वो है 5,70,000 करोड़। इसी प्रकार से नेट स्टेट जीडीपी प्रचलित कीमतों पर यानी करंट प्राइस पे कितना है, तो है 8,62,000 करोड़ रुपए। अब चलते हैं स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों पर तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है स्थिर कीमत पर 29.45%, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है 28.15%, सेवा का कंट्रीब्यूशन है यानी सर्विस सेक्टर का है 42.40%। इन्हीं की कॉरेस्पॉन्डिंग प्रचलित कीमतों पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहा है, 29 से 29 तो सेम है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि जो सेवा की कीमतें हैं वो थोड़ी सी हायर साइड ले लेती हैं। तो इसी वजह से इंडस्ट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इट हैज़ गॉन डाउन, 24 से 24 है, 28 से 24 है, और ये 42 से 45 है। तो इन फिगर्स को तो आपको एक तरह से रट्टा ही मारना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी है, तो शहरी क्षेत्र का जो पॉपुलेशन फैक्टर है वो 24.9 और ग्रामीण क्षेत्र का 75.1 है। याद कैसे करें, आप ऐसे याद रख लीजिए, राजस्थान में अभी भी 3/4 से ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं। इसको याद करने का फैक्टर है कि राजस्थान में अभी भी 3/4 से ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं। कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, तो सिर्फ थोड़े से ज़्यादा, तो थोड़ा सा मतलब हम कई बार कहते हैं मारवाड़ी में चिन्ना सा, तो इट्स लाइक ओनली 0.1% ज़्यादा। तो 3/4 का मतलब होता है 75%, और चिन्ना सा ज़्यादा मतलब 0.1%। तो जो शहर ग्रामीण क्षेत्र याद कर लेंगे तो शहरी अपने आप उसमें से माइनस करके निकाल सकते हैं 100 में से। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ इस तरीके से याद रखा जा सकता है। साक्षरता के लिए मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की जो साक्षरता है वो इतनी है। पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो पर कैपिटा इनकम है 72,297 रुपये। इसके बदले में जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है कॉन्स्टेंट प्राइस पर वो है 86,456, यानी करीब 14,200 रुपये फालतू, यानी महीने का 1,200 रुपये। अगर आप ऐसे भी याद रख लेंगे ना कि महीने का 1,200 रुपये ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय में, तो भी आपको याद हो जाएगा। एक आंकड़ा याद कर लीजिए, महीने का एक्स्ट्रा याद कर लीजिए। यहाँ प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 109,000 रुपये है, और इसी के कॉन्ट्रेरी जब राष्ट्रीय की बात करते हो तो वह है 1,26,968 रुपये प्रति वर्ष। आगे चलते हैं, अगला आंकड़ा है फूड ग्रेन से संबंधित, कितना उत्पादन हुआ खाद्यान्न का, तो ये है 273.33 लाख मीट्रिक टन, MT लिखा हुआ आ सकता है मेंस में, सॉरी प्री में। तो ये आंकड़ा है 273.33 लाख मीट्रिक टन। अगला है इंडस्ट्रियल उत्पादन सूचकांक, यानी इंडिकेटर फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये कैसे, इसको कैसे याद करें, तो इसका आंकड़ा तो है 115.67।
तो आप ये याद रखिए, क्योंकि आई आई पी है तो आई आई ई आई आई 567 है, आई आई 567 है, तो आई आई स्टैंड्स फॉर 11, 5 का मतलब ये, 6 का मतलब ये, और इस प्रकार से वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड कि किसी भी तरीके से हमें कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए जिससे हम इस फैक्ट को याद कर लें। तो आई आई पी में आई आई 567, आई आई पी कितना है, आई आई 567। अगला, थोक मूल्य सूचकांक का बेस क्या है, तो इसका बेस है 1999-2000। कोरोना ने इसको याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे कोरोना ने डब्लू का दिमाग जो है थोक के भाव घुमा दिया, तो पहले घुमाया तो डब्लू जो इसके इस प्रकार से बना हुआ फिगर है, ये फिगर इस प्रकार बन गया 3-3-4, 3-3-4, तो घुमा दिया इसको। नेक्स्ट इज, इसके बदले में जो राष्ट्रीय सूचकांक है वो कितना है, तो वो है 121। और एक बात और देखने लायक है कि WPI में हम कितने आइटम्स को कंसीडर करते हैं, तो हम 154 आइटम्स को कंसीडर करते हैं, जिनमें से 75 प्राइमरी गुड्स हैं, 69 उत्पादित या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, और 10 फ्यूल या पावर से संबंधित हैं। तो WPI में कितने आइटम्स को कंसीडर किया जाता है, 154 आइटम कंसीडर होते हैं, 154 का आधा वैसे तो 77 होता है, लेकिन इसको याद रख लीजिए कि 75 आइटम्स, आधे से दो कम, आधे से दो कम तो प्राइमरी गुड्स हैं, 69 उत्पादित गुड्स हैं, और 10 फ्यूल या पावर से रिलेटेड हैं। अच्छा, ये इसका इंडिकेटर तो हमें दिख गया कि 334 है, इसमें जो एक स्पेशल कैच है वो ये है कि जो 10 इंडिकेटर्स हैं फ्यूल या पावर से संबंधित, इनमें 10% की कमी आई है, ये एक खास था, अदरवाइज हर बार इंडिकेटर्स बढ़ते हैं, इस इंडिकेटर में थोड़ी कमी आई थी, तो उसको मैंने यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश की है कि यू नेवर नो किस दिन दिमाग में क्या आ जाए एग्जामिनर सर के और वो क्या पूछ ले। नेक्स्ट इज, हमारा ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो हमारा ऊर्जा जो लिखी हुई है समरी के फॉर्मेट में वो लिखा हुआ है कि दिसंबर 2020 तक प्रतिस्थापित जो क्षमता थी वो थी 21,836 मेगावाट, जिसको गीगावाट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 21.836 गीगावाट। इसका डिटेल हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि सोलर का कितना है, विंड का कितना है, और दूसरे सोर्सेज से कितना मिल रहा है, या तापीय विद्युत घर से कितना मिल रहा है, वो हम लेटर जो स्टेज आएगी यानी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर करेंगे उसमें देखेंगे। अगला, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ज़्यादा सवाल तो इससे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार बेस ईयर पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कौन कौन से आइटम्स के अंदर शामिल हैं। तो पहली बात तो ये कि औद्योगिक मजदूरों के लिए इसको कौन करता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर वो कौन करता है, तो लेबर ब्यूरो शिमला करता है। इसमें क्या शामिल है, खाद्य पदार्थ शामिल है, पान सुपारी गुटखा का एक इंडिकेटर है, एक ईंधन और प्रकाश से संबंधित इंडिकेटर है, एक आवास से संबंधित इंडिकेटर है, एक है वस्त्र और जूतों से संबंधित इंडिकेटर। तो इसका मतलब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, ये अपने आप दिमाग से भी ले सकते हो कि जो मजदूर होते हैं उनके लिए प्राइमरी गुड्स कौन सी होती हैं, इनको सुविधाओं के नाम पर क्या क्या चाहिए होता है। नेक्स्ट, इसका बेस ईयर क्या है, तो इसका बेस ईयर है 2001, और यदि इसी का बेस ईयर चेंज करके 2016 कर लिया जाता है, यानी दो प्रकार के इंडिकेटर्स आते हैं इसमें, विद बेस ईयर 2001 एंड विद बेस ईयर 2016। यदि बेस ईयर 2001 है तो उसमें अजमेर जिला शामिल है, तीन स्थान शामिल होंगे, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। लेकिन यदि बेस ईयर 2016 है तो उसमें जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा होगा, अजमेर नहीं होगा, इसलिए यहाँ मैंने अजमेर को कट कर रखा है। फिर से देखिए, CPI IL यानी औद्योगिक मजदूर, उनके लिए दो प्रकार का आता है, एक बेस ईयर 2001 और एक बेस ईयर 2016 वाला। 16 में अलवर ने रिप्लेस कर दिया है अजमेर को, और 2001 वाले में अजमेर इज देयर। नेक्स्ट इज, किसान या कृषि मजदूर जो होते हैं, कृषि के मजदूर एग्रीकल्चर लेबर, उनके लिए क्या इंडिकेटर है, तो उनके लिए जो बेस ईयर है वो 1986-87 चल रहा है अभी भी। बेस ईयर का मतलब होता है उस टाइम इस इंडिकेटर की वैल्यू 100 मान ली जाती है, और उसके बाद में अब तक कितना बढ़ा। तो ये दो प्रकार का आता है, फूड ग्रुप के लिए कितना और जनरल इंडेक्स के लिए कितना। फूड ग्रुप में 1057 यानी 10 times हो चुका है, और यहाँ भी 10 times हो गया जनरल इंडेक्स। ये है 1057 और ये है 1094, 1057 1094। आप दो तीन बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नेशनल इंडिकेटर है वो है 1002 और 1041। नेक्स्ट इज, रूरल अर्बन एंड कंबाइंड फॉर्मेट में निकलती है एक और इंडिकेटर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो वो है ग्रामीण शहरी। तो इसका बेस ईयर है 2012।
और ये राज्य का है 153, नेशन का भी 153। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ जो 6 है इधर आकर के दोगुना हो गया है, 12 है। तो ये याद रखना तो बहुत आसान है क्योंकि डेटा में कॉरेस्पॉन्डेंस है, 153 दोनों का सेम, और 0.06 को डबल कर दिया तो 0.12 हो गया। नेक्स्ट इज, इसको कौन निकालता है या कौन इसके लिए काम करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसके लिए काम करता है, इसको NSO इन शॉर्ट कहते हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। इसी के साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इससे ज्यादा सवाल बनने की संभावना नहीं है। अगला हम बात करते हैं कि राज्य में कुल कितने बैंक की ब्रांचेज हैं। पता नहीं, मुझे इंट्यूशन होती है कि ये फिगर पूछा जा सकता है क्योंकि बैंकिंग की इस बार बहुत ज़्यादा महत्व था जब हम कोरोना की बात कर रहे थे या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बातें कर रहे थे तब। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि उल्टी साइड से लिखना शुरू कीजिए, 5, 6, 7, 8। अब 8 ने कहा कि तुमने मुझे सबसे आगे भेज दिया, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, तो ये छुप करके यहाँ सेटल हो गया। तो इसको याद करना है, 5, 6, 7, 8, 8 वापस आ गया। मैंने कई बार कई चीज़ों के लिए ट्रिक बनाने की कोशिश की और ऐसी ट्रिक्स मेरे को याद रह जाती हैं जहाँ स्थान बदलने वाली होती हैं। तो मे बी यू कैन लर्न इट लाइक 5, 6, 7, 8, एंड 8 को लगा कि भाई बहुत बड़ा हूँ, बहुत आगे खड़ा हूँ, तो चलो पीछे सेट हो जाते हैं। तो इस सेकेंड लास्ट पोजिशन पर आके सेट हो गया। अटल भूजल योजना क्या है? ये 1 अप्रैल 2020 से सेंटर ने लॉन्च की थी। राज्य के 17 जिलों की 38 ग्राम पंचायत समितियों में 1144 ग्राम पंचायतों में चल रहा है। बेसिकली इसका काम ये है कि ग्राउंड वाटर लेवल को डिप्लीशन से बचाना, उसको वापस रिप्लेनिश करना, यानी उसमें वापस से उत्थान करना, और इसमें सेंटर और स्टेट की जो शेयर है वो 50:50% है। फिर है राज्य से निर्यात होने वाले 5 शीर्ष वस्तुएं। ऐसा ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं आरपीएससी के, जिसमें वो ज़रूर पूछते हैं कि निम्नलिखित में से राज्य की शीर्ष वस्तुएं कौन सी नहीं हैं, 5 शीर्ष में से कौन सा स्थान नहीं रखती। तो फर्स्ट है इंजीनियरिंग गुड्स, सेकंड है कपड़े, तीसरा है हस्तशिल्प, चौथा है रत्न एवं आभूषण, और पाँचवा है धातु। अब देखिएगा, इसमें कहीं भी आपको सैंडस्टोन या किसी भी प्रकार का स्टोन नज़र नहीं आ रहा। वेराज हम ऐसा सोचते हैं कि शायद हमारे यहाँ से मार्बल बहुत एक्सपोर्ट होता है, मिनरल्स बहुत एक्सपोर्ट होते हैं या दूर बाहर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये 5 शीर्ष वस्तुएं हैं, तो वो कैच है कि ना तो मिनरल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे इस टॉप 5 वाली लिस्ट में, और ना ही सैंडस्टोन या मार्बल जैसी चीज़ें मिलेंगी। हमने कुल निर्यात कितना किया, तो ये भी एक आंकड़ा है, याद कर लीजिएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है, 42,000 करोड़ रुपये याद कर लोगे तो भी बहुत है, और अदरवाइज इट इज़ एक्चुअली 42,946। अब 42 और 46 रिलेटेड है इसलिए याद हो सकता है आपको, 42,946 करोड़ रुपए। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान का कितना प्रतिशत अंश है? तो ये है 4.92% प्रचलित कीमतों पर, और स्थिर कीमतों पर 4.79%। अब इसमें देखने लायक बात यह है कि आप उसको याद कैसे करोगे। तो आप इसको याद ऐसे कर सकते हो कि हमारी जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या का करीब 5-6-7% है, 5.67 शायद मुझे डेटा याद आ रहा है। तो हम करीब 5% हैं, तो उतना ही हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन है, लगभग उतना ही कंट्रीब्यूशन है। यानी मतलब आप एटलीस्ट वेग नंबर्स को तो रूल आउट कर सकते हो, ऑप्शन ABC अगर दिए हुए हों तो आप 7%, 8%, 10% को तो रूल आउट कर सकते हो। ये याद रखने की बात है कि हमारा जो जनसंख्या का प्रतिशत है पूरे भारत की जनसंख्या में, वो करीब 5% है। तो यहाँ करीब 5% ही हम सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारा 10% के से ज़्यादा हमारे पास क्षेत्रफल है, लेकिन उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। व्यक्ति हैं जो काम करते हैं, और व्यक्तियों की संख्या यदि 5% है तो इसी के आसपास सकल घरेलू उत्पाद में हमारा अंशदान होगा। नेक्स्ट इज भूमि से रिलेटेड एक चैप्टर है। तो अब भूमि से सवाल कैसे पूछे जाते हैं? एक तो भूमि के लिए ग्राफ बनाया हुआ है कि कितना कितना किस जगह काम में आ रहा है। जनरली जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, इंटरेस्ट के टॉपिक्स होते हैं, वो ये होते हैं कि कितना तो सकल बोया गया क्षेत्र है। तो हमारा सकल बोया गया क्षेत्र है 51.85%। फिर कितनी बंजर भूमि है, तो वो है 6.14%, और कितना वानिकी में आता है वो है 8.05%। इसके अतिरिक्त यदि कुछ आता है तो होता है वन क्षेत्र, और वन क्षेत्र के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया आर्थिक समीक्षा को मत पढ़ना, इसको पढ़ना स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में पब्लिश हुई है, उससे पढ़िएगा। नेक्स्ट इज कुल जोत या जोत धारक कितने हैं, कुल जोतों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में कुल जोतों की संख्या है
76.55 लाख व्यक्ति। अगला, कुल ज्योतों का जो औसत आकार है वो आकार कितना है, तो वो है 2.73 हेक्टेयर्स ओनली, और ये पिछली बार की बजाय 11.07% कम हो गया। अब ये फैक्ट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में इसके अलावा कोई और ऐसा फैक्ट है ही नहीं जो आपको याद रखना है, तो एक पूरा चैप्टर आप सिर्फ इन चार फैक्ट से याद कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है कि महिला भू जो धारकों की संख्या कितनी है, तो इसमें 40% से अधिक की वृद्धि हुई है और इनकी संख्या है 7.75। अब यहाँ याद करने के लिए बात यह है कि यहाँ तो 76.5 था और यहाँ अगर इस डॉट को इधर सका दें तो 77.5 है, तो शायद इस कैच से आप याद रख सकते हो कि इस डॉट को इधर से लगा करके ये 77.5 और ये 76.5, तो कुल जो धारक तो 76.5 और महिलाएं एक कदम आगे तो 77.5। प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रही हूँ कैसे याद कर सकते हो फैक्ट को। नेक्स्ट इज कृषि विभाग की कुछ योजनाएं लिखी हुई हैं। यहाँ नई योजनाएं कोई भी नहीं है, नई योजनाओं के नाम पर जो कुछ भी आपको मिलेगा वो बजट भाषण में मिलेगा, लेकिन फिर भी लिखी हुई है तो हमें एक बार देख लेनी चाहिए। एक है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इस योजना को 2018-19 में शुरू किया गया था कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर से, जिसमें कर क्या रहे हैं कि बीज किसानों को इस सक्षम और ऐसा सक्षम बना दिया जाए कि वो अपने लिए बीज खुद बना के रख लें और बीज बाजार से नहीं खरीद के लाने पड़े। तो इसका जो थ्रस्ट एरिया वो है गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोट, मूंगफली और उड़द। एक कीट रोग से संबंधित या उन्मूलन से संबंधित एक योजना लिखी हुई है जिसमें फैक्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने सिर्फ ये लिखा है कि एक योजना ये भी है जो चल रही है, या कीट या रोगों का उन्मूलन। फिर एक योजना थी महिला प्रशिक्षण से लेकर के, ये बेसिकली जो महिला किसान हैं उनको ये एक दिन का प्रशिक्षण देंगे। तो इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, 2020-21 में लॉन्च की गई बजट में ग्राम पंचायत स्तर पर एग्जीक्यूट की जाएगी, एक दिन का प्रशिक्षण देना है महिलाओं को, और ये महिला किसान हैं तो किसानों को किस बात का प्रशिक्षण, भाई उन्नत कृषि कैसे करें, कौन सी तकनीकी आई हुई है, बीज बढ़िया कौन सा है, खाद किस प्रकार से डाली जाए, खाद का रेशियो क्या रखा जाए, पानी में घोलते हुए क्या किया जाए, पाले से बचाव के क्या उपाय किए जाए, ऐसी चीज़ें। और इसकी कैपिंग क्या है, इसकी कैपिंग ये है कि यदि आप 30 महिलाओं को सिखाते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर तो 3000 रुपये को मिल जाएंगे इस ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि जब कोई भी काम किया जाता है तो उसमें एक ऑपरेशनल कॉस्ट तो होती ही है। तो इसके ये पांच ही फैक्ट थे, बजट, उसके बाद में कौन से स्तर पे, कितने दिन का, क्या सिखाएंगे और क्या मॉनेटरी इसके अंदर बेनिफिट्स हैं या मॉनेटरी एक्सपेंसेस हैं जो गवर्नमेंट करती है। अगला दिया हुआ है किसान, इसी से संबंधित, ये एक अच्छी योजना थी जो कि मुख्यमंत्री जी ने इसी के साथ में शुरू किया था, महिला प्रशिक्षण के साथ में ही। उसमें लिखा हुआ है कि हम बेटियों या छात्राओं जो कि छात्राएं जो कि कृषि से संबंधित को सब्जेक्ट को पढ़ेंगी, यानी एग्रीकल्चर एज सब्जेक्ट से पढ़ती हैं तो उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। तो उसके प्रोत्साहन के लिए क्या कर रही है सरकार, यदि वो उच्च शिक्षा हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ती है यानी 11th एंड 12th में लेती है ये सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, तो उसको 5000 रुपीज पर ईयर पर स्टूडेंट मिलेगा। यदि ग्रेजुएशन कर रही है कोई छात्रा तो उसको मिलेगा इसी सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर साइंस में, तो उसको मिलेगा 12000 रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्रा, और पीएचडी या पीजी करने के लिए 15000 रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्रा प्रदान किया जाएगा सरकार की तरफ से। नेक्स्ट इज एक और योजना है जिसका नाम है कृषि प्रदर्शन। कृषि प्रदर्शन का मतलब है कि आपके खेत में ही आकर के आपको डेमो दिए जाएंगे अलग अलग टेक्नोलॉजीज की, सो दैट आप देखेंगे तो ही तो विश्वास करेंगे। एडवर्टीजमेंट जो है वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं, तो देखकर विश्वास करें कि टेक्नोलॉजी है। इसमें करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए कोई नया हार्वेस्टर आया है, मान लीजिए कोई नई मशीन आई है जिससे फटाफट खुदाई हो जाती है, तो उन सब मशीनों का या टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन उसमें, अच्छा कहाँ हो रहा है ये, इसके लिए दो एरिया हैं कि कहाँ करेंगे इसको। एक तो वो कि जहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अभी भी लागू नहीं है उन जिलों में करेंगे। दूसरा, इसके लिए थ्रस्ट एरियाज ग्वार, गेहूं और जौ हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे एक मिशन है, उसमें कर क्या रहे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए यदि कोई किसान खरीदता है और उसके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है तो उसको 90% तक की सब्सिडी सरकार दे रही है उन केमिकल्स को खरीदने के लिए जिनके लिए आपकी सॉइल डेफिशिएंट है। नेक्स्ट इज
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग थोड़ी सी पुरानी है, 2019-20 के बजट में इसको लॉन्च किया गया था। ये 3 जिलों में चालू थी, टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में। जीरो बजट का मतलब है कि आपको सस्टेनेबल खेती करनी है, कुछ भी नया इनपुट नहीं, बाहर से नहीं देना है। खेत में या खेती में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसी से आपको मैन्योर यानी खाद बनानी है, बीजों का संग्रहण करना है, तो अगले साल के लिए वही बीज वापस काम में आ जाएंगे एंड स्टफ लाइक दैट। अब ये क्या कर रहे हैं, आंध्रा के मॉडल पे बेस्ड 15 जिलों में भी इसको चलाएंगे, ये लिखा हुआ है। आंध्रा मॉडल क्या है, लेटर ऑन जब हम मेंस की बात करेंगे तब बताएंगे कि दो टाइप के मॉडल हैं जो जीरो बजट फार्मिंग के अंदर हैं, उसमें आंध्रा मॉडल में किस चीज़ का बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कई एक जगह गोबर का है, एक जगह नीम का, उनकी पत्तियों का, इस प्रकार से इस्तेमाल होता है, पर ये आज यहाँ डिस्कशन के लिए नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट योजना दी हुई है, बहुत पुरानी है, 2015 की है, ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, लेकिन इसमें अभी भी आधे पेज में दी हुई थी आर्थिक समीक्षा में, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इसमें आपको सिर्फ 4 फैक्टर याद करने हैं, बेसिकली मंडी श्रमिक को क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि हमाल यदि बीमार हो जाए तो 20,000 रुपये तक का उसको दे दिया जाता है कवरेज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। और हमारे आर्थिक समीक्षा में एक बहुत ही मतलब सुंदर आंकड़ा लिखा हुआ है कि एक हमाल को 20,000 रुपये की सहायता दी गई। शायद इसका कारण ये रहा होगा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आ गई या और भी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी पहले से चल रही थी, तो इसलिए इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आई होंगी, पर एक का डेटा भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में क्या है, यदि बेटा या बेटी जो भी रजिस्टर्ड श्रमिक है उसका बच्चा पढ़ता है और उसके 60% ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उसको कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी, कितनी मिलेगी ये नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज यदि ऐसी कोई महिला जो कि मंडी के श्रमिक के रूप में रजिस्टर्ड है और उसकी 2 डॉटर्स की शादी है, अप टू 2 डॉटर्स की शादियों में 50,000 रुपये की सहायता इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। एक है प्रसूति सहायता, उसके अंदर जो प्रसूता है यानी जो माँ है उसको 45 दिन का अवकाश यानी 45 दिन के बराबर उसकी जो डेली वेज बनता है यानी मजदूरी बनती है उसका कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। और इसी में यदि पिता अप्लाई करता है छुट्टी के लिए तो उसको 15 डेज का पेड लीव या कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट इज कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई थी 2019-20 के बजट के अंदर, जिस 1,000 करोड़ के साथ में। इसमें किया क्या सरकार ने, एक तो ना लिखा हुआ है कि हमने APMC तक पहुंचने की रोड को ठीक किया, लोगों के लिए एक्सेस को सुधारा, और एक लिखा हुआ है अभी जो रिसेंटली एक योजना आई थी जिसमें बिजली के बिल पर सब्सिडी दे रही थी सरकार हर एक किसान को, तो वो जो है वो भी इसी से पेमेंट होगा। और फसल बीमा के लिए जो प्रीमियम है उसका पेमेंट भी कृषक कल्याण कोष से किया गया है। अगला है राजीव गांधी जल संचय योजना, इसके अंतर्गत ये 20 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई। राज्य के सभी 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉक्स में ये लागू है और करीब 4,000 गांव इसमें कवर किए गए हैं। 2 सालों के लिए योजना है। जल संचय योजना बेसिकली पुरानी वाली जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना थी उसी का परिष्कृत या परिवर्धित रूप है, तो 4 वाटर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जहां भी मिल जाए जैसे भी मिल जाए पानी को बचाना है। अगला है गोपालन विभाग। अब गोपालन विभाग में डेटा तो बहुत सारे दिए हुए हैं कि हमने ये गौशाला खोली, वो गौशाला खोली एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन उसमें से सवाल आने की गुंजाइश बिल्कुल नगण्य है। इसमें 2 प्रोग्राम चल रहे हैं जिनके बारे में नाम लिखा हुआ है, एक तो है देशी नस्ल सुधार संरक्षण कार्यक्रम और दूसरा है कामधेनु डेयरी योजना जिसमें स्वदेशी नस्ल सुधार का कार्यक्रम चल रहा है। ये कामधेनु डेयरी योजना सेंटर से स्पॉन्सर्ड है और ये लोकल। नेक्स्ट इज प्रतिदिन दूध का संकलन कितना करते हैं, तो राज्य में प्रतिदिन दूध का संकलन करीब 23.19 लाख लीटर यानी 23,19,000 लीटर का संकलन प्रतिदिन किया जाता है। किनके द्वारा, ये जो सहकारी समितियां बनी हुई है, सहकारी डेयरीज बनी हुई है उनके द्वारा। फिर इसी में 3 स्कीम्स का नाम लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है राज सरस सुरक्षा कवच योजना। अब देखेंगे सरस सुरक्षा कवच, तो राज सरस से तो ये समझिए कि डेयरी की वो है योजना, सुरक्षा कवच से समझिए सुरक्षा कवच कब मिलता है, जब बीमा होती है, तो एक बीमा की योजना है। अब होगा क्या कि डेयरी में जितने भी रजिस्टर्ड पशुपालक हैं या दुग्ध विक्रेता हैं या दुग्ध संकलन करता है, यदि उनकी किसी एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है तो 5 लाख रुपए का
कॉम्पनसेशन मिलेगा, और यदि आंशिक विकलांगता होती है तो 2.5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिलेगा। इसी प्रकार से एक लिखा हुआ है सरस सामूहिक आरोग्य योजना। अब सामूहिक आरोग्य का मतलब होता है कलेक्टिव हेल्थ स्कीम है ये। अब इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उसके अंदर, तो सवाल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है CM दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की योजना थी, जिसमें वो कहते हैं कि जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको हम 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान के रूप में देंगे, यानी सब्सिडी के रूप में देंगे, यानी उनको एक्स्ट्रा सब्सिडी, तो क्या कहें इसको, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। ये राज्य सरकार कर रही है, डेयरी नहीं, राज्य सरकार कर रही है। अगला है कृषि का पार्ट 2। इसके अंदर राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक प्रोजेक्ट, इस प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब होता है कॉम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। इसमें करना क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब उपज बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, जलवायु रोधी कृषि करेंगे, यानी ऐसे उनका स्पीशीज का आविष्कार करेंगे, यानी ऐसे वो बनाएंगे इसको क्या कहते हैं, क्रॉप का टाइप, और पानी का कम इस्तेमाल करने वाली क्रॉप्स बनाएंगे, तो हमारी प्रतिस्पर्धा अपने आप बढ़ जाएगी। तो अब चल कहाँ रही है, 17 जिलों के 17 क्लस्टर्स में चल रही है ये, बस इसमें इतना ही फैक्ट है जो याद रखने लायक है। फिर एक है केंद्र की कुछ योजनाएं। तो सबसे पहली सबसे बड़ी योजना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, वो उसके लिए गेहूं के लिए 14 जिले और मोटा अनाज के लिए मक्का के लिए 5 जिलों के नाम है, जौ के लिए ये 6 जिलों के नाम ये दिए हुए। तो आपको एक बार इनको सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि मोटा अनाज यानी मक्का कहाँ कहाँ होगा। तो सदर्न राजस्थान में खूब होता है जो ट्राइबल एरिया है, तो बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर और उदयपुर में। जो कहाँ होगा, जो वहाँ होगा जहाँ सबसे ज़्यादा दारू की फैक्ट्रियाँ हैं, तो अजमेर में, भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, जयपुर में, नागौर में, सीकर में, गंगानगर में, इधर जौ खूब होता है, और फिर वो कलेक्ट होकर के और डिस्टिलरीज में चला जाता है। ये सिर्फ आप अपने मतलब सबकॉन्शियस को इस्तेमाल करेंगे ना, तो भी आप इनके आंसर्स निकाल पाएंगे। ये बिल्कुल डिफिकल्ट सवाल नहीं होते हैं, अगेन RAS प्री बिल्कुल डिफिकल्ट होता ही नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, सभी को 100 से ऊपर नंबर लेकर के आने हैं। आप मेरे साथ इस ग्रुप में जुड़े हैं तो आपकी जीत की जिम्मेदारी मेरी है। आगे चलते हैं, अगला मिशन क्या चल रहा है, केंद्र की कौन सी योजना के बारे में लिखा हुआ है, तो सिर्फ एक लिखा हुआ है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन 60:40 फॉर्मेट में चल रहा है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये 60:40 मिशन। फिर ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम। फिर PM सिंचाई योजना, जिसके अंदर सिर्फ जो फैक्ट लिखे हुए हैं ये लिखे हुए हैं कि इतना पैसा खर्च किया या इतने क्लस्टर्स का निर्माण किया या इतने लोगों को लाभान्वित किया। और हम जानते हैं कि जो स्कीम्स हैं वो इस प्रकार से नहीं, इस मतलब आर्थिक समीक्षा से पूछा जाएगा सवाल, तो इस प्रकार की चीज़ों से सवाल नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं कि ये स्कीम्स अभी भी चल रही हैं। नेक्स्ट है PM फसल बीमा योजना। हम जानते हैं कि बहुत टाइम से चल रही है, शायद 2016 में इसका रिवैम्प्ड फॉर्मेट आया था, जिसमें बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेस को भी कवर किया गया था, लोकलाइज्ड यदि कोई कैलेमिटी होती है उसको भी कवर किया गया था। तो ये अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी, जिसमें खरीफ के लिए 2% का प्रीमियम, रबी की फसल के लिए 1.5% का प्रीमियम और बागवानी की फसलों के लिए 5% का प्रीमियम निर्धारित किया गया था। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी कुसुम योजना, और इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर के किसानों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके 3 कॉम्पोनेंट हैं, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। पहली बात तो ये चला कौन रहा है, तो सेंटर में जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवी और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग जो है या मंत्रालय है वो इसको चला रहा है। इसके 3 कॉम्पोनेंट हैं। पहला कॉम्पोनेंट तो यह है कि यदि आपके पास खेती है यानी आपके पास ज़मीन है और खाली पड़ी है, तो भाई हमको दे दो, हम उस पर सोलर प्लांट लगा देंगे और आपको पैसा मिलता रहेगा। तो ये कृषि भूमि पर सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन से संबंधित है, जिसमें किसानों को सब्सिडी दी जाती है सोलर प्लांट लगाने के लिए। दूसरा था जो स्टैंड अलोन सोलर पंप लगाए जाएं, यानी मान लीजिए एक ऐसा खेत है जिसमें अभी तक कोई बिजली का कनेक्शन ही नहीं था, और कोई किसान कहे कि मुझे खेती करनी है, तो उसको नया कनेक्शन देने के बजाय उसके यहाँ सोलर पंप लगा दिया जाए और सोलर ये बना दिया जाए, पैनल लगा दिया जाए और एक पंप लगा दिया जाए, भाई करो तुम खेती। तो इसका कनेक्शन बाहर किसी ग्रिड से नहीं है, ये स्टैंड अलोन है। नेक्स्ट है ग्रिड से कनेक्टेड सिंचाई पंप। हम जानते हैं कि ग्रिड पे जब लोड आता है तो किसानों को बहुत परेशानी होती है, बेचारे दिन में तो इंडस्ट्रीज की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं बिजली को और रात में बेचारे किसानों को देते हैं। सर्दियों के टाइम तो बहुत समस्या होती है, पाला पड़ता है और वो खेत में पानी के लिए, बिजली के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो इसका एक बहुत खूबसूरत समाधान ये है कि जो इनके ग्रिड से कनेक्टेड सिंचाई के पंप हैं
उनको वहाँ कनेक्शन को, तो ये मान लीजिए ग्रिड है, ग्रिड का मतलब जो बिजली विभाग से आपके घरों तक लाइट आ रही होती है, और ये आपका कुआं है। तो अब इस कनेक्शन को काट दें और इसके बदले में एक सोलर पैनल लगा दें, और आपकी जो बिजली की मोटर है उस मोटर को इस लायक बना दें कि ये सोलर पंप से आने वाली बिजली से चल जाए, तो आपकी एक तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि लाइट आएगी तो ही चलेगा, दूसरा डे टाइम में आपको बिजली, क्योंकि सूरज हर टाइम चमकता है हमारे यहाँ, तो हर टाइम बिजली बन जाती है, और बिजली बन जाती है तो आपका पंप भी चल जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, कुसुम योजना। इसके तीन कॉम्पोनेंट हैं, इनको याद रखिएगा। अगला है कि राजस्थान में पहला ऐसा गांव जहां कॉम्पोनेंट ए के तहत किसी भी कृषि भूमि के ऊपर कोई भी प्लांट इंस्टॉल किया गया, तो वो है कोटपुतली का भालोजी ग्राम। जब आप इसको वहाँ पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स में, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि कितने मेगावाट का वहाँ पे किया गया और कब इनॉग्रेशन हुआ। तो दिस भालोजी ग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो नेक्स्ट। कृषि की बात कर रहे हैं और मत्स्य की बात नहीं हो, ऐसा कैसे होगा? मत्स्य मतलब मछली, हालांकि मत्स्य का राजस्थान में बहुत कम कारोबार है। एक जनरली राजस्थान थोड़ा सा एक सूखा या कम बारिश होने वाला क्षेत्र है, स्टिल काम तो हर जगह होगा और हर प्रकार का होगा। तो इसके एक आजीविका मॉडल के बारे में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि इसके लिए जीरो रेवेन्यू मॉडल है आजीविका मॉडल, यानी कुछ भी इनपुट देंगे नहीं और लोगों से कुछ टैक्स लेंगे नहीं। बेसिकली इसको किया कहाँ जा रहा है, तीन जगहों पे है ये, जैसमंद झील उदयपुर में, माही बजाज सागर बांसवाड़ा में, कडाना बैक वाटर्स डूंगरपुर में। करेंगे क्या करेंगे, ये कि जो आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी हैं उनको ये कहते हैं कि भाई इसमें यहाँ आप कैसा करो, मछलियों की खेती करो, यानी मछली पालन करो और निकालो और बेचो, अपनी आजीविका का सुधार करो, खाओ पियो खुश रहो, ऐसे वाला प्रोग्राम है। यानी इससे सरकार रेवेन्यू नहीं कमाती, लेकिन ये उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो इन तीन जगहों पर काम चल रहा है। इसमें सवाल कैसा बन सकता है कि इनमें से तीन कौन सा ऐसा क्षेत्र है या कौन सी ऐसा प्लेस है जहां पर ये आजीविका मॉडल लागू नहीं है मत्स्य विभाग का? तो तीन तो ये होंगे और कोई एक दूसरा दे दिया जाएगा। इसमें एक याद करने वाली बात ये भी है कि लिखा हुआ है जो बीसलपुर हमारा वो है बांध, उसके अंदर भी महाराष्ट्र से कहीं से मछलियों के सीड्स ला करके डाले गए थे, तो वो एक फैक्ट लिखा हुआ है, पर मुझे लगता नहीं कि उसमें से कुछ सवाल आ सकता है, पर फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ, महाराष्ट्र से सीड्स ला करके और बीसलपुर डैम में छोड़े गए, और उसकी संख्या लिखी हुई है 0.46 लाख, वेयरएज इसको 46,000 लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी, जिसमें राजस्थान में 6 जन औषधि केंद्र लिखे हुए हैं, एक उदयपुर जिले में, झुंझुनू में, जोधपुर में और डूंगरपुर में। इनके अलावा 2 हैं, एक दुर्लभ जी हॉस्पिटल में जिसका पूरा नाम है संतोष कुआ दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर, और एक है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर। तो टोटल 6 हैं 4 जिलों में, और ये कैपिटल के अंदर 2 उसमें हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट इज पीएम ग्रामीण आवास योजना, बहुत पुरानी योजना है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है। तो एक बार बस सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि ये नहीं देखना है कि कितने लोगों को आवास बना के दिए, सिर्फ ये कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें 1,20,000 रुपये मिलेंगे, घर का नक्शा इंसान अपनी मर्जी से बना सकता है, 12,000 रुपये मिलेंगे शौचालय निर्माण के लिए, और 90 दिनों की मनरेगा के अंदर मजदूरी मिलेगी। अब ये कितना होगी 90 दिन की, वो डिपेंड करता है कि उस दिन क्या प्रचलित कीमत है, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें कोरोना काल में मनरेगा की जो मजदूरी है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट योजना लिखी हुई, ये इस पूरे डिस्कशन में अभी तक में सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा कि ये योजना हो सकती है, क्योंकि महात्मा गांधी जी की हम 150वीं जयंती मना रहे थे और 150वीं जयंती वर्ष मना रहे थे, तो उसमें ये योजना लॉन्च की गई थी। ये योजना क्या है, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, 27 नवंबर 2019 को लॉन्च की गई। एक जिले का एक गाँव पकड़ लो और उसमें क्या करो, गांधी जी के मूल्यों का विकास करो, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रम चलाओ, नशा मुक्त समाज की गठन हो पाए ऐसे काम करो, गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए उनको अलग अलग स्कीम से जोड़ो, फिर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करो और उनको टीके के लिए प्रेरित करो, शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए लोगों को प्रेरित करो। स्कीम्स और बहुत सारी हैं जिनमें इनको अटैच किया जा सकता है, लेकिन उनमें जागरूकता फैलाना। अगला, इसका उद्देश्य क्या है, सद्भावना का माहौल बनाना या विकसित करना, और इसके लिए आप स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर जो गांधी जी की जयंती है उस दिन ऐसे कार्यक्रम आयोजन कीजिए। फिर ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों, कब्रगाह, शमशान घाट, इन सब की सुरक्षा कीजिए। 14 नवंबर को मेरा गाँव मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इन गाँवों में। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 14 नवंबर यानी बाल दिवस के दिन
मेरा गांव मेरा गौरव नाम से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 24 जिलों में गांधी ज्ञान केंद्र पुस्तकालय और वाचनालय यानी लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम्स बनाए जाएंगे। तो इसी के साथ मैंने शुरुआती 90 पेजेस बिली में 90 पेजेस ऑफ आर्थिक समीक्षा पढ़े और उनकी समरी बनाई। थोड़ी सी मेहनत लगी पर मेरी मेहनत सफल हो जाएगी यदि आप इनमें से आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट वर्जन लेकर के आऊँगी। टिल देन ऑल द बेस्ट। पूजा।